नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज से हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के जो ऑब्जेक्टिव सवाल 10 प्रश्न पूछे जाने हैं उनका मॉडल सेट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, डेली के डेली मैं आपको कभी CC1 कभी CC2 का 10 प्रश्न का सेट बताऊंगा। दोस्तों, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर यानी जो बंदरगाह था वो था लोथल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, जो कालीबंगा है वो है राजस्थान में और गुजरात में है लोथल, है ना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो दोस्तों, ये जो सवाल है इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे, ग्रामीणी थे या शहरी थे या खानाबदोश, मतलब जहाँ उसको खाना मिला वहीं, जिसे हम लोग अभी लोकल भाषा में बोलते हैं बंजारा, ठीक है, या फिर जनजातीय थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरीय थे। पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो एकदम पूरा शहरीय था। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आर्य शब्द का शब्दार्थिक अर्थ है? तो दोस्तों, आर्य शब्द का जो शब्दार्थिक अर्थ होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ और कुलीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है वेद, ठीक है, और आपको सिमिलरली दिखेगा वेदांक। तो वेदांक अलग होता है, वेद अलग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, बात करें वेद की, तो वेद की संख्या होती है 4 और वेदांक की 6, ठीक है। और अगर पूछे दोस्तों आपको महापुराणों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 18 होता है महापुराण, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेद पूछे तो 4, वेदांक पूछे तो 6, और अगर पूछे कि आपका महापुराण कितना है तो 18 को, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, भारत की राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल है उसमें आपका पूछा जा रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो दोस्तों, उज्जैन का जो प्राचीन नाम है था वो था अवंतिका, ठीक है, ए नंबर आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट हम लोग का सवाल है उसमें पूछा जा रहा है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, नंद वंश का जो संस्थापक थे वो था महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी धनानंद, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आज का आखिरी सवाल को देखते हैं, क्योंकि हम लोग डेली 10 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे, ठीक है, आपका ज़्यादा अभी टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिए। और सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, जो 10वां प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व, ठीक है,
तो 326 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो सेट था 10 प्रश्नों का, तो उसमें से आपका 10 में से कितना सही हुआ है? अगर आप 10 में से 8 भी सही कर रहे हैं तो आपका मतलब बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, और अगर 10 में से 4 या फिर 3 या फिर 2 सही हो रहा है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और किसी दस दोस्त का अगर पूरा 10 में से 10 सही होता है तो आपका तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, फिर आपको थोड़ा रिटर्न में ध्यान देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।